मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर्स मियू और शोया को देखते हैं। आज बारिश आ रही थी तो शोया अपनी अम्ब्रेला मियू को देता है। ये सीन था जब वो फर्स्ट टाइम मिले थे। इसके बाद थोड़ा सा समय गुजर चुका है। हम देखते हैं कि मियू नींद से जगती है और जैसे ही उठी तो गलती से उससे एक फ्रेम टूट जाती है। इस फ्रेम में मियू और शोया एक साथ थे। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो नीचे आती है तो उसकी मदर उसे कचरा बाहर डालने के लिए कहती है, पर मियू इसके लिए मना कर देती है। मियू ने कहा कि कभी तो मुझे हेल्प कर दिया करो। टीवी पर न्यूज आती है कि आज बारिश आने वाली है। मदर ने कहा कि अपने साथ छाता लेकर जाना। जैसे ही मियू रेडी होने लग गई तो मदर उसे उसका टिफिन दे देती है। सुबह जल्दी उठकर मदर ने सब कुछ करके रखा था। आगे चलकर जब वो स्ट्रीट से गुजर रही थी तो एक छोटा सा बच्चा उसके पास आकर उसके पैर को पकड़ लेता है। उस बच्चे की मदर फिर उसे वहां से लेकर जाती है। जैसे ही स्कूल के पास पहुंची तो वैसे उसकी फ्रेंड उसे मिलती है। उसे पूछती है कि क्या तुमने आज की टेस्ट की प्रिपरेशन की है। मियू इसके बारे में पूरी तरीके से भूल चुकी थी। उसकी फ्रेंड को जरा काम था तो जल्दी से वो वहां से चली जाती है। पीछे से मियू का यूतो नाम का एक फ्रेंड आ जाता है और उसे डरा देता है। वो से पूछता है, तुम्हारे और शोया के बीच में चल क्या रहा है। मियू कहती है कि कुछ भी नहीं। यू तो कहता है, तुम दोनों तो डेट कर रहे हो। यू तो कह रहा था कि कुछ रूमर्स है कि तुम दोनों बात नहीं कर रहे। मियू से कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो, तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। यू तो ने पूछा कि क्या तुम ठीक हो। यू तो कहती है कि मैं ठीक हूँ और फिर वो वहां से चली जाती है। मियू की जब क्लास चल रही थी तो शोया प्लेग्राउंड पर खेल रहा था, वो उसी देख रही थी। उन्हें क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं और ये उड़कर हवा से नीचे गिर गए। तभी जल्दी से मियू शोया को देख लेती है। आज मियू और शोया दोनों मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। लंच ब्रेक में मियू के साथ उसकी फ्रेंड बात करती है। वो कहती है कि तुम दोनों हर बार मंथ के फर्स्ट डे पर ही मूवी देखने के लिए जाते हो, हमारे पास स्टूडेंट डिस्काउंट होता है, तुम दोनों कभी भी जा सकते हो। मियू को लग रहा था कि शोया उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। फ्रेंड कहती है कि आज तुम्हें ये बात उसे बतानी चाहिए। हमें एक फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि मियू ने शोया को किसी और लड़की के साथ नोटिस किया था, इसी वजह से वो जरा फरीड थी। थोड़ी देर में वहां पर यूतो भी आ जाता है। वो मियू के लंच में से कुछ उठा लेता है और इसे वो बहुत अच्छा लगता है। वो सब बात कर रहे थे तो वहां पर शोया आ गया। मियू जब उसके पास गई तो उसके सर पर हाथ रखता है, कहता है कि तुम्हारे बाल अजीब लग रहे हैं। मियू कहती है कि जब बारिश आ जाती है तो ऐसे ही हो जाता है। शोया उसे कहता है कि स्कूल के बाद मिलते हैं। अब फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। लैब में मियू और शोया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। शोया उससे पूछता है कि क्या तुम्हें मूवी देखना अच्छा लगता है, क्या तुम्हें मेरे साथ मूवी देखना अच्छा लगेगा। उनकी सिटी में दो मूवीज एट ए टाइम लगी थी तो डिसाइड करते हैं कि एक ही समय पर मूवी का नाम लेंगे। अगर वो एक ही मूवी होगी तो दोनों वहीं पर जाएंगे। वो सेम मूवी का नाम लेते हैं तो सब लोग उनके लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। उनकी क्लासमेट बोली कि तुम दोनों को तो डेट करना चाहिए, तुम दोनों की पसंद तो एकदम सेम है। मौके का फायदा उठाकर शोया फिर मियू से पूछ लेता है, क्या तुम मुझे डेट करोगे। मियू इसके लिए हाँ कहती है। सारे क्लासमेट्स उनके लिए बहुत खुश थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि मियू को आज जरा कम मार्क्स आए थे। टीचर उसे कहते हैं, तुम्हारे फ्रेंड यूतो की तरह ये आदत मत डाल लेना, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में तुम्हें फोकस करना चाहिए। यूतो मियू से बात करता है और देखता है कि शोया तो प्लेग्राउंड पर खेल रहा था। मियू से पूछता है कि क्या तुम दोनों मूवी देखने के लिए नहीं जा रहे। मियू कहती कि जा रहे। शोया ने कहा कि तुम दोनों के बीच में क्या चलता है ये मैं समझ नहीं पाता। मियू कहती कि मुझे भी नहीं पता। शोया अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा था तभी मियू वहां पर आ गई तो दोनों फिर मूवी के लिए चले जाते हैं। मूवी के लिए अंदर जाने ही वाले थे पर तभी शोया को किसी का कॉल आ जाता है। कॉल पर उसने बात की और इसके बाद मियू के पास आ गया। वो कहता है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसे पूछता है कि क्या हम नेक्स्ट वीक ये मूवी देखने के लिए आ सकते हैं। मियू कहती है कि ठीक है। शोया सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। मियू याद करती है कि जब वो फर्स्ट टाइम मूवी देखने के लिए आए थे उन दोनों में कुछ ऑकवर्डनेस था पर दोनों एक दूसरे के साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। एक दिन वो एक हिल टॉप पर आए थे। वहां पर मियू ने शोया से कहा था कि इस टाइप का वेदर तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम मुझे ब्लू आसमान जैसे लगते हो। शोया उसे कहता है कि तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हम हमेशा मंथ के फर्स्ट डे पर मूवी देखने के लिए जाएंगे, हमारे बीच में कुछ भी हो, फाइट भी हो जाए, पर फिर भी हम दोनों उसी दिन जाएंगे, ये मेरा तुमसे वादा है। मियू इस सब के बारे में सोचकर जरा सैड हो जाती है। जब वो घर जा रही थी तो शोया को उसे मैसेज आता है। वो कहता है कि मैं तुमसे फिर से बात करना चाहता हूँ, क्लॉक टावर के पास मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब वो वहां पर पहुंची तो बहुत ही अपसेट थी। शोया कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मियू ने कहा कि अगर तुम बाकी लड़कियों के साथ बात करना चाहते हो, उन्हें डेट करना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोया इस बात से बहुत ही सरप्राइज था। मियू विश करती है कि शोया यहाँ से डिसअपियर हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक्सीडेंट हो जाता है और मियू देखती है कि शोया जमीन पर पड़ा हुआ है।
अचानक से क्लॉक टावर पर बिजली गिरती है। आज फिर से मंथ का फर्स्ट डे था। जिस तरीके से मियू लास्ट डे उठी थी उसी तरीके से उठती है और अपनी फ्रेम को फिर से तोड़ देती है। जो बात उसकी मदर कल कर रही थी यही सब बातें फिर से होती है। आज भी वेदर में वही बताया जाता है कि आज बारिश होगी। इसका मतलब है क्लॉक टावर पर बिजली गिरने की वजह से पूरा दिन रिसेट हो चुका था। मियू अपनी मदर से पूछती है कि आज दिन कौन सा है। मदर कहती है कि आज मंथ का फर्स्ट डे है। मियू को ये बात बहुत ही अजीब लगती है। जैसे वो स्कूल जा रही थी तो कल जैसे एक छोटे से लड़के ने उसके पैर पकड़ लिए थे, आज भी वैसे ही वो पकड़ लेता है। मियू को लगता है कि उसे देजा वो हो रहा है, यानी कि कल उसने जो फील किया था ये वो फिर से फील कर रही है। शायद कोई कोइंसिडेंस होगा। मियू से स्कूल में उसकी फ्रेंड मिलती है। मियू ने उससे पूछा कि क्या शोया ठीक है। फ्रेंड कहती है कि शोया को क्या हुआ। मियू को ये सुनकर अच्छा लगता है कि शोया सेफ है। उसकी फ्रेंड फिर से उसे बताती है कि आज हमारा टेस्ट है, क्या तुमने स्टडी किया था। जल्दी से मियू अपने फ्रेंड से नोट्स लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो डायरेक्टली शोया से मिलने के लिए उसके क्लास के बाहर खड़ी हुई। मियू ने कहा कि मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की थी, तुम ना कॉल उठा नहीं रहे थे। शोया कहता है कि उसकी चार्जिंग चली गई थी। उसने मियू से पूछा कि क्या तुम्हारे पास चार्जर है। उनकी बात शोया की क्लासमेट तोमो का सुन रही थी। वो जल्दी से शोया को उसका चार्जर दे देती है। ये वही लड़की है जिसके साथ मियू ने उस रात शोया को देखा था। शोया पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे। मियू ने कहा कि आज मेरी हिस्ट्री की टेस्ट थी पर मैं टेक्स्ट बुक भूल गई। तोमो को फिर उसे अपनी बुक दे देती है। तोमो को शोया से कहती है कि तुम्हें हेल्प करने के लिए अगले टाइम मुझे ट्रीट करना। आज मियू की टेस्ट भी नहीं थी पर फिर भी बुक लेकर आई। ये देखकर उसकी फ्रेंड सरप्राइज थी। आज फिर से मियू टेस्ट में अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाती। मियू अपनी फ्रेंड से कहती है कि आज का दिन मैं ऑलरेडी जी चुकी हूँ। फ्रेंड कहती है क्या ये कोई ड्रीम की तरह है, क्या तुमने अपने सबकॉन्शियस में इमेजिन किया था। मैंने सुना है कि हमारी जो डिजायर्स होती है ये सब कुछ हमारे ड्रीम्स में बाहर निकलती है। तुमने ड्रीम में और क्या देखा था। मियू कहती है कि शोया को पनिशमेंट मिलेगी। शोया को उसकी फ्रेंड कहती है कि बाकी लोग तुम दोनों को क्या समझते हैं, इस पर ज्यादा फोकस मत करो, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा वरी नहीं करना चाहिए। आज फिर से युतु उसके पीछे आ गया था, जल्दी से उसके लंच बॉक्स में से कुछ उठाने वाला था। मियू को इसके बारे में पता था, वो आगे क्या बोलने वाला था ये भी वो रिपीट करती है। नेक्स्ट मोमेंट पर वहाँ पर शोया आ जाता है। वो उसके हेयर पर हाथ रखने वाला था पर मियू उसे रोक लेती है। शोया फिर भी उसके हेड पर हाथ रख ही देता है। मियू कहती है कि मैंने तुमसे कहा था। वो फिर से कहता है कि आज तुम्हारे हेयर अजीब लग रहे हैं। मियू कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि वो रेनी डेज पर अच्छे नहीं लगते। शोया उससे पूछता है कि आज हमें मूवी के लिए जाना है। मियू कहती है कि आज मैं चल नहीं सकती, मुझे डिटेंशन मिला है। शोया कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट कर लूंगा। मियू ने कहा कि मुझे घर पर कुछ काम है, इस वजह से आज मैं नहीं आ सकती। खिड़की में से मियू शोया को देख रही थी कि किसी और के साथ वो बात कर रहा है। यू तो उससे पूछता है क्या तुम मूवीज के लिए नहीं जा रही। मियू कहती है कि आज मैं अगर शोया के साथ मूवीज के लिए नहीं जाऊंगी तो शोया ठीक रहेगा, उसे कुछ भी नहीं होगा। युदो इस बात से कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि मैं तुम दोनों को समझ नहीं पाता। मियू कहती है कि मैं भी अपने आप को नहीं समझ पाती। मियू को फिर शोया का मैसेज आ गया। वो कहता है कि आज मैं दूसरी मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। जल्दी से भागते भागते मियू वहां से निकल जाती है। एक्चुअल में शोया जो मूवी देखने के लिए जा रहा था ये मियू को देखनी ही थी, पर शोया को किसी दूसरी मूवी में इंटरेस्ट था, इसी वजह से मियू ने उसे बताया नहीं था। आज शोया को कुछ हो सकता है, इस वजह से मियू जल्दी से थिएटर में आ जाती है। वहाँ पर उसे नहीं मिलता। वो फिर बाहर आई तो एक जगह पर शोया को अपने फ्रेंड्स के साथ देखता है। वो अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ एंजॉय कर रहा था। उसके पास में तोमोका बैठी हुई थी। तोमोको कॉल की वजह से बाहर आ जाती है तो मियू उससे छुप रही थी। तोमोको उसे पहचान लेती है, पूछती कि तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। मियू ने कहा कि तुम्हारी बुक लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। तोमोको ने कहा कि मुझे लगा था कि तुम आज मूवी में नहीं जाने वाली। तोमोको कहती है कि आज मियू को मेरे साथ रहने दो, आज उसका बर्थडे था। मियू ने कहा कि आज शोया को मूवी देखने के लिए मत जाने देना। तोमोको कहती है कि वैसे भी मेरा वही प्लान था। रात में मियू को उसका लंच बॉक्स देने के लिए युतो से मिलता है। वो पूछता है कि आज शोया तुम्हारे साथ नहीं है, क्या कुछ हुआ था। मियू कहती है कि फिर से तुम मेरी पर्सनल चीजों में टांग अड़ा रहे हो। वो फिर उसे बताती है कि मैंने उससे कहा था कि आज मैं मूवी देखने के लिए नहीं आ सकती। यू तो पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। मियू कहती है कि बहुत कुछ चीजें हुई थी। मियू उसे फिर से कहती है कि तुम जरा ज्यादा ही क्यूरियस होते हो। यू तो कहता है तुम्हारा रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, उसे खुश देखना चाहता है। दूर से मियू नोटिस करती है कि तोमोको और युतो ये दोनों साथ में चलकर जा रहे थे। ये वही बार जा रहे थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने वाला था। वो जल्दी से उसे बचाने के लिए वहाँ से जाने लग गए पर युतो उसे रोक लेता है। कहता है कि प्लीज मत जाओ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मियू इस बात से सरप्राइज थी पर उसे शोया को भी बचाना था। कहती कि मैं सॉरी हूँ पर मुझे जाना पड़ेगा। वो जल्दी से भागते भागते शोया के पास जाने लग गए और देखती है कि शोया का एक्सीडेंट हो जाता है। अगले दिन जब वो उठी फिर से ये डे रिपीट हो चुका था। आज वो स्कूल के रास्ते पर शोया का वेट करती है। शोया पूछता है कि क्या हुआ। उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि क्या तुम्हें फीवर तो नहीं है, तुम आजकल जरा अजीब से बिहेव करने लग गई हो।
मियू की तरफ देखकर वो फेस बनाता है तो मियू इस बात पर हंस देती है। शोया कहता है कि बहुत टाइम हो चुका, तुम्हें इस तरीके से हंसते हुए मैंने नहीं देखा था, शायद तुम्हें आजकल ठीक नहीं लग रहा। मियू कहती है कि मुझे बारिश पसंद नहीं है। शोया कहता है तुम स्माइल करते वक्त मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इसका हाथ पकड़कर वो दोनों स्कूल की तरफ चलने लगते हैं। मियू से कहती है क्या हम आज मूवी देखने के लिए चलने वाले हैं? तो शोया कहते हैं कि जाएंगे। मियू ने डिसाइड कर लिया था कि शोया को वो बचाने वाली है। आज जब वो स्कूल में युतो से मिलती है तो रियलाइज करती है कि कल युतो ने उससे क्या कहा था। युतो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मियू कहती है कि मैं ठीक हूँ। आज भी वही सब चीजें होती है जो हो रही थी। शोया से मिलने के लिए मियू उसकी क्लास की तरफ आके वहाँ पर वो बाहर तोमोका से मिलती है। वो कहती है कि शोया थोड़े टाइम पहले यहीं पर था। तोमोका मियू से कहती है कि तुम दोनों सिर्फ मूवी देखने के लिए एक दूसरे के साथ डेट पर जाते हो, क्या है बहुत लोनली नहीं हो जाता? अगर मैं शोया की गर्लफ्रेंड होती तो उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती, उसका मैं अच्छे से ख्याल रखती। मियू कुछ बोल पाती उससे पहले शोया और युतो वहाँ पर आ जाते हैं। मियू और शोया फिर मूवी के लिए गए। अब शोया को कॉल आने वाला था और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता तो मियू फिर उसे कहती है कि मैं तुमसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आज अपना मोबाइल तुम ऑफ कर दो। शोया फिर वैसा ही करता है। तोमोको शोया को कॉल नहीं कर पाती तो खुद वहाँ पर पहुँच जाती है, उससे बात करती है और फिर शोया मियू के पास आया, कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाना पड़ेगा। मियू कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। शोया कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। मियू कहती है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो हम ब्रेकअप कर लेते हैं, तुम मुझे छोड़कर तोमोका को चूज कर रहे हो। अगर हमें ब्रेकअप करना ही है तो आज मेरी एक लास्ट विश है, आज मेरा सब कुछ मान लेना, कल से तुम उसके पास चले जाओ, आज तुम मुझसे ऑनेस्टली सब कुछ बात कर सकते हो, इस तरीके से मुझे छुपा कर किसी को डेट करने की जरूरत नहीं है। शोया कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम भी अपने दिल की बात कभी मुझे बताती नहीं हो, तुमने एक बार भी मुझे बताया नहीं कि तुम क्या फील कर रही हो। वो फिर वहां से चला जाता है। मियू वहीं पर बैठी थी, उसे युतो का कॉल आता है। वो मियू से कहता है कि मैंने शोया से बात की थी, मैंने उसे पूछा कि क्या वो और तोमोका ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। उसने कहा कि वो दोनों सिर्फ साथ में काम करते हैं। ये जानने के बाद मियू को शोया का फिर से कॉल आता है। वो जल्दी से उसी जगह पर पहुंचती है पर आज भी उसे बचा नहीं पाती। वो टॉर की तरफ देखकर कहती है कि प्लीज फिर से और एक मौका दे दो। वो फिर से उठी तो वही दिन था। जल्दी से उठकर नीचे आती है तो देखती है उसकी मदर उसके ड्रेस को प्रेस कर रही थी। मियू हमसे कहती है कि मैंने रियलाइज किया कि मैं समझ रही थी कि हर एक दिन सेम है पर हर दिन में कुछ ना कुछ यूनिक होता है। वो अपने वरीज में अपने डेज को वेस्ट कर रही थी, आज वो हर एक चीज को एम्ब्रेस करती है। छोटा बच्चा जब उसके पैर को पकड़ लेता है तो उसके साथ खेलने लग जाती है। अपने फ्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट करती है। अपनी फ्रेंड को बताती है कि एक्चुअल में तोमोको और शोयो ये दोनों एक दूसरे के साथ पार्ट टाइम काम करते हैं। वो शोया को डायरेक्टली पूछने से डर रही थी। वो वंडर करती है कि शोया को उसमें क्या अच्छा लगता है। वो अपने फ्रेंड से कहती है मुझे लगता है कि हम दोनों प्रेशर में एक दूसरे के साथ डेट करने लग गए। उसे पता नहीं था कि क्या शोया एक्चुअल में उसे लाइक करता है। फ्रेंड उससे कहती है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, एक्चुअली ये बताने से मुझे मना किया गया था। जिस दिन शोया ने मियू को डेट के लिए पूछा था उस दिन सबसे पहले उसने सब फ्रेंड से पूछा था कि मियू को कौन सी मूवी अच्छी लगती है। उसने सब लोगों को बता कर रखा था कि आज वो मियू को डेट के लिए पूछने वाला है। फ्रेंड कहती है कि तुम्हें बहुत लाइक करता है, मियू को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। पीछे से युतो आकर मियू को डराए, इससे पहले मियू ही उसे आज डरा देती है। युतो फिर से वही क्वेश्चन उसे पूछ रहा था पर मियू कहती है तुम हमेशा मुझ में टांग अड़ाते रहते हो पर ये सब करने के लिए थैंक यू। युतो को ये बात सुनकर अच्छा लगता है। मियू शोया से मिलने के लिए आई तो फिर तोमोको उसे मिल जाती है। तोमोको उसे फिर से वही कहती है कि मंथ के फर्स्ट डे पर मिलना ये जरा लोनली हो जाता होगा, अगर मैं होती तो उसका अच्छे से ख्याल रखती। मियू आज उसे बता देती है कि मैं भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहती हूँ। जब शोया वहाँ पर आता है तो मियू उससे पूछती है कि चलो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं। दोनों बाइसिकल पर राइड करते हुए स्कूल को बंक करते हैं। मियू उससे पूछती है कि क्या बाइसिकल पर मैं तुम्हें हेवी लग रही हूँ। शोया मजाक में कहता है कि पहले से जरा ज्यादा लग रही हो। इस पर वो हंस देती है। शोया कहता है कि तुम्हारे बाल, मियू ने कहा कि मेसी हो गए ना। शोया कहता है कि मुझे तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अपने फर्स्ट डे पर जिस हिल टॉप पर वो गए थे वहीं पर वो फिर से जाते हैं। वो कहती है कि मुझे फिर से एक्सपीरियंस करना था। उसने फिर उसे कंफ्रंट किया, उसने पूछा क्या तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। शोया कहता है कि तुम्हें कैसे पता। मियू कहती है कि मैंने सुना कि तुम तोमोका के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो। शोया कहता है कि हाँ हमें आने में जरा लेट हो जाता है तो कभी कभी स्टोर ओनर मुझसे पूछता है कि जाकर मैं तोमोको को ड्रॉप कर आऊ। मियू पूछती है कि तुम जॉब क्यों कर रहे हो। शोया ने कहा कि लास्ट टाइम हमारी जब एनिवर्सरी थी तो उस वक्त मैं तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट खरीद नहीं पाया था, मुझे युतो से पता चला था कि तुमने मेरे लिए गिफ्ट लाया था। इस बार हमारी इस एनिवर्सरी को मैं बहुत ही स्पेशल करना चाहता था, इसी वजह से पार्ट टाइम जॉब कर मैं पैसे सेव कर रहा था। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी सेकंड एनिवर्सरी बहुत ही अच्छी रहेगी। मियू कहती है कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था।
श्रेया कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज करना चाहता था। मेयू ये सुनकर रोने लगती है। श्रेया फिर उसे कहता है, तुम स्माइल किया करो, मुझे तुम वैसी बहुत अच्छी लगती हो। वो कहता है कि क्या तुम्हें याद है हम दोनों फर्स्ट डे कब मिले थे? उस दिन बारिश हो रही थी और मैंने मेरी अम्ब्रेला तुम्हें ऑफर की थी। उस दिन मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था और तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारी स्माइल की वजह से मैं खुद भी हंसने लग गया था। इसके बाद मियू उसे गले लगा लेती है। हम देखते हैं कि श्रेया को फिर से कॉल आ जाता है। श्रेया मियू को बताता है कि आज मुझे पार्ट टाइम जॉब पर जाना पड़ेगा। मियू कहती है कि तुम जा सकते हो, हम मूवी तो कभी भी देख सकते हैं। मियू कहती है कि हम दोनों को एक दूसरे को जरा ज्यादा मिलना चाहिए। श्रेया इसके लिए हाँ कहता है। मियू खुद से कहती है कि मैं भी श्रेया को बहुत स्माइल करता देखना चाहती हूँ। आज जब तोमोका ने मियू से बात की थी तो उसे इनसिक्योर लग रहा था। जब श्रेया उसके पास आता है तो उसे कहती कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, आज हमारा जॉब नहीं है, आज मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी क्योंकि उसका आज बर्थडे था। वो उसे बताती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। श्रेया उसे मना कर वहां से चला जाता है। वो फिर मियू को कॉल करता है और कहता है कि आज पार्ट टाइम जॉब नहीं है, क्लॉक टावर के पास मुझे मिलना। वो जल्दी से भागकर मियू के पास आ रहा था। मियू भी वही उसी स्पॉट पर पहुंच जाती है। आज वो ट्रक के सामने से श्रेया को पुश कर देती है। इसमें वो खुद इंजर्ड हो गई थी। वो श्रेया को सही सलामत देखकर खुश थी। अब हम देखते हैं कि साइकिल टूट चुका था। मियू हॉस्पिटल में थी, उसकी मदर उसे उठाती है। मदर ने कहा कि श्रेया ने तुम्हें बचा लिया था। एक्चुअल में जब फर्स्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ था तो इन रियलिटी मियू उसमें हर्ट हुई थी और श्रेया ने उसे बचाने की कोशिश की थी। अगर हम फिर से उस सीन को देखें तो उससे बात क्लियर हो सकती है। मियू जब होश में नहीं थी तभी ये सारी चीजें वो रियलाइज कर रही थी। श्रेया के पास मियू को देने के लिए एक लेटर था जो उसकी मदर उसे देती है। मियू को एक्चुअल में क्या हुआ था ये बात याद आती है। उसे बचाने के लिए श्रेया खुद ट्रक के सामने आ गया था। वहीं पर रोने लग जाती है, कहती है कि प्लीज उठ जाओ। मियू ने श्रेया का लेटर पढ़ा। उसने लिखा था कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं तुमसे सही से बात भी नहीं कर सकता। रिसेंटली हम दोनों ने उतनी ज्यादा बात भी नहीं की है। आजकल तुम जरा कम स्माइल करने लग गई हो। जल्दी हमारे 2 ईयर एनिवर्सरी आने वाली है। मैं लास्ट ईयर के लिए सॉरी हूँ। इस साल मैं तुम्हें फिर से खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सब सुनकर मियू बहुत रोती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मियू स्कूल जा रही थी। वो कहती कि मुझे लगा था कि वो दिन कभी खत्म नहीं होगा। अब हर एक दिन बहुत ही अलग होता है, कभी ना कभी हम सब का लास्ट डे होगा, पर मैं इसके लिए डर नहीं रही। हर दिन मैं अब ऐसे जीती हूँ जैसे ये मेरा लास्ट डे हो। हम मियू को उसकी मदर की हेल्प करता देखते हैं, सब लोगों के साथ बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड करता देखते हैं। जब भी उसे श्रेया की याद आती है तो वो स्काई को देखती है। श्रेया चाहता था कि वो खुश रहे तो ज्यादा स्माइल करने की कोशिश करती है। ये सब बताते हुए श्रेया के साथ उसने जो पल बिताए थे ये सब कुछ उसे याद आ रहा था। एक दिन श्रेया को याद करते हुए हिल टॉप पर वो खड़ी थी, तभी पीछे से श्रेया आ जाता है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। वो उसे आई लव यू कहती है। श्रेया उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।